हेलो गाइस, यू आर वाचिंग फैक्टोलिश। जी हाँ, मैं ही हूँ आपका फैक्टोलिश। मजाक कर रहा हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? मैं हूँ दिव्यांशु लोगी फ्रॉम लोगीनियन चैनल और आज मैं फैक्टोलिश के साथ मिलके आपको कुछ ऐसी एनिमे बताने वाला हूँ जो कि काइजू नंबर 8 से काफी सिमिलर है। पर हम बताना स्टार्ट करें उससे पहले मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर ट्रू एनिमे लवर हो, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना ताकि डेली अमेजिंग इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड वीडियोस देख पाओ। हेलो गाइज, यू आर वॉचिंग फैक्टोलिश। फायर फोर्स एनिमे सीरीज काफी ज्यादा सिमिलर है काइजू नंबर 8 से। दोस्तों, कहानी में केवल ये कॉमन नहीं है कि एक मिलिट्री सबॉर्डिनेट कैसे अपने लॉयर लेवल से हायर लेवल पर जाता है, बल्कि दोस्तों और भी काफी चीजें हमें सिमिलर देखने को मिलती हैं। दोनों ही एनिमे सीरीज में जापान के अराउंड हमें मॉन्स्टर्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, कहानी तो बहुत ज्यादा सिमिलर है ही, पर कहानी से भी ज्यादा सिमिलर है हमारे मेन कैरेक्टर्स। दोस्तों, दोनों ही एनिमे सीरीज के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके जो गुण हैं वो काफी मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। काफ्का और सिनरा कुसाकावे के बीच हमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, जहां पर दोनों के पास ही सीक्रेट एबिलिटीज है और उनके सीक्रेट एबिलिटीज के बारे में सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही पता है। वो बात अलग है कि हमारा काफ्का अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना काफी तेजी से सीख लेता है, वहीं दूसरी तरफ सिनरा को डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। पर दोस्तों, जो भी है, सिमिलैरिटीज तो बहुत ही ज्यादा है। अब देखो, जहां पर आपको काइजू नंबर 8 अच्छा लगा वहीं पर आपको फायर फोर्स भी अच्छा लगेगा, तो इस सीरीज को जरूर चेकआउट करना। तो काफ्का की तरह ही डेंजी भी एक मॉन्स्ट्रस क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करता है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि भैया डेंजी ही चेनसॉ मैन है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अब हालांकि डेंजी और काफ्का दोनों की फिलॉसफीज काफी अलग है, लेकिन इन दोनों को मस्ती मजाक बहुत पसंद है। ऑल्दो समय आने पे ये दोनों अपने ओपोनेंट को चीड़ फाड़ देते हैं। क्या पर ये बात है। अब अगर आप चेनसॉ मैन एंड काइजू नंबर 8 के स्टोरी स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे तो आप जान पाएंगे कि डेंजी एज डेविल हंटर काम करता है गवर्नमेंट के लिए। क्यों? ताकि वो डेविल्स को मार सके, सिटीजंस को बचा सके। सिमिलर सा काम काफ्का का है, जहां वो काइजूज को मारता है ताकि ये काइजूज सिटीजंस को हार्म नहीं पहुंचा सके। हालांकि चेनसॉ मैन थोड़ा ज्यादा एडल्ट ओरिएंटेड है एज कंपेयर टू काइजू नंबर 8, लेकिन दोनों एनिमे के अंदर खून की नदियां बराबर बहती है। ऐसे में ये दोनों एनिमे शोनन फैंस के लिए टॉप नॉच है। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप भी एनिमे रिलेटेड टी शर्ट पहनना चाहते हैं, चाहे वो वन पीस रिलेटेड हो, डीमन स्लेयर, नारुतो, ड्रैगन बॉल, जेजेके? आप किसी भी एनिमे रिलेटेड टी शर्ट खरीद सकते हो अपने सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। सिंपली आपको मैसेज करना है किस एनिमे रिलेटेड टी शर्ट चाहिए वो बताना है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हो तो कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो जब कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल तो मत डरो, बस ऑर्डर करो। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है हम दोनों को, उनके लिए डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, मतलब कि डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेंगे। तो मौका का फायदा उठाओ और जल्दी से खरीदो, पहनो, एंजॉय करो। वेल, वापस आते हैं हम अपने वीडियो के टॉपिक पर। दोस्तों, हमें जुजुत्सु काइजन और काइजू नंबर 8 में भी काफी ज्यादा समानताएं देखने को मिलती हैं, जहां पर जुजुत्सु काइजन में कर्स स्प्रिट ने हाहाकार मचाकर रखा हुआ है पूरे जापान में, और इन कर्स स्प्रिट का सामना करते हैं हमारे जुजुत्सु सॉर्सर्स। हाँ, वो बात अलग है कि हम इन्हें मिलिट्री या डिफेंस फोर्स नहीं कह सकते जैसे कि काइजू नंबर 8 में है, पर दोस्तों इनका भी काम वही है जो कि काइजू नंबर 8 में डिफेंस फोर्स का है, यानी कि मौजूदा खतरे से बचाव करने का काम। दोस्तों, कहानी के साथ साथ मेन कैरेक्टर्स के भी गुण आपस में बहुत ज्यादा मिलते हैं। काफ्का और इतादोरी दोनों ही युद्ध के मैदान में विदाउट हेजिटेशन कूद पड़ते हैं, और अगर बात हो किसी को बचाने की तब तो पूछो ही मत। वो कहते हैं ना, अकेले रहकर भी क्या करेंगे, अकेले ही कहलाएंगे। अगर मर भी जाते हैं किसी को बचाते हुए तो मर के भी अमर कहलाएंगे। वेल, दोस्तों ऐसा ही है दोनों मेन कैरेक्टर्स के साथ, और दोनों ही बिना किसी घबराहट के कूद पड़ते हैं युद्ध के मैदान में। वेल, अगर आपने जुजुत्सु काइजन नहीं देखा है तो जरूर देखना। अगर मैं रेटिंग्स की बात करूं तो IMDb पर 8.6 की रेटिंग है और माई एनिमे लिस्ट पर भी 8.6 की रेटिंग है, तो आप इस सीरीज को जरूर चेकआउट कर सकते हो। सोलो लेवलिंग की कहानी में हम सांग जिनवू नामक हंटर को देख पाते हैं जो कि एक वीकेस्ट हंटर है, लेकिन जब वो मौत के इतने करीब था तो उसे जीने का एक और मौका दिया जाता है। वो भी ऐसा वैसा मौका नहीं मित्रों, बल्कि लिटरली सोलो लेवलिंग करने का, जो कि इसका नाम है, मतलब अकेले वो लेवल अप करेगा इस दुनिया के अंदर। ये इवेंट्स कहीं ना कहीं काफ्का के लाइफ से रिजेंबल करती है, क्योंकि देखा जाए तो काफ्का भी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था डिफेंस फोर्स मेंबर बनने के लिए। अब हालांकि काफ्का बहुत ही स्ट्रगल करके ही डिफेंस फोर्स मेंबर बन पाया,
बट यू विल अग्री कि काइजू के फॉर्म में काफ्का को कहीं ना कहीं अनलिमिटेड पावर मिल गई है, जैसे जिनवू अनलिमिटेड तरीके से लेवल अप किए जा रहा है। और ये दोनों सिटीजंस को बचाते हैं किससे? रैंडमली अपीयर होने वाले मॉन्स्टर से। वैसे सोलो लेवलिंग काइजू नंबर 8 के मुकाबले काफी ज्यादा डार्क है। हाँ, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको काइजू नंबर 8 पसंद तो आया था लेकिन आपको वहां का जो ह्यूमर था या फिर एनिमे का गूफीनेस एंड फन नेचर थोड़ा ऑफ पुटिंग लगा, तो भैया सोलो लेवलिंग ट्राई कर लो, क्योंकि यहाँ बकवास बहुत कम है और सभी लोग एकदम सीरियस ही रहते हैं। इसके अलावा सोलो लेवलिंग एक्सटेंसिव वेबटून पे आधारित है, मतलब कि आप वेबटून के एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी धड़ल्ले से पढ़ सकते हैं। नंबर 1 पर है अटैक ऑन टाइटन। दोस्तों, अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो और ये जो आपके स्क्रीन के सामने दो इंस्टाग्राम अकाउंट दिख रहा है इन दोनों को फॉलो कर लो। हाँ, आपको वहां पर भी एनिमे और एंटरटेनमेंट का डोज मिलेगा और वो भी डेली मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, करो सब्सक्राइब। देखो गाइस, काइजू नंबर 8 और अटैक ऑन टाइटन में भी सिमिलैरिटीज हैं, पर उसकी बात ना करते हुए मैं ये कहूंगा कि आप अटैक ऑन टाइटन जरूर देखना। वैसे ये सीरीज कंप्लीट है तो आप देख सकते हो और आपको इसके नेक्स्ट सीजन का वेट भी नहीं करना होगा, तो जाकर जरूर देखना अगर नहीं देख रहे हो तो। अगर मैं रेटिंग्स की बात करूं तो IMDb पर 9.1 की रेटिंग है और माई एनिमे लिस्ट पर 8.6 की, तो आप रेटिंग से भी अंदाजा लगा सकते हो कि अटैक ऑन टाइटन एनिमे कितना अमेजिंग है। और हाँ दोस्तों, मैंने बहुत सारे एनिमे रिकमेंडेशन रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल पर, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो और कमेंट करके मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस रिलेटेड चाहिए। यहीं पे वीडियो होती है समाप्त। वीडियो पसंद आई हो तो भैया इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ ही अपने फैक्टोलॉजिस्ट भैया को सब्सक्राइब भी कर लो। आ ही गए हो यहां तक तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब मैं आपको यहां नहीं बल्कि अपने चैनल पे मिलूंगा। फैक्टोलॉजिस्ट के कंटेंट को देखना है तो वो यहीं आपको हमेशा मिलते रहेंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको मजा आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को लो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो फैक्टोलॉजिस्ट। तब तक के लिए पीस आउट।